एवरीवन, वेलकम टू दिस सेकंड लेक्चर ऑन विस्की. सो वी विल टेक द क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्कॉच, आयरिश विस्की, राय एंड बर्बन विस्कीज. सी, स्कॉटलैंड में जो विस्की प्रोड्यूस की जाती है दैट इज़ कॉल्ड एज स्कॉच विस्की. आयरलैंड में जो विस्की तैयार की जाती है दैट इज़ नोन एज आयरलैंड विस्की और आयरिश विस्की. उसके अलावा स्कॉच विस्की और आयरिश विस्की में ये डिफरेंस है कि स्कॉच जनरली सिंगल सीरियल्स से बनती है, या वीट से बनेगी, या ग्रेन से बनेगी, या राई से बनेगी, या मेज से बनेगी. बट जो आयरिश विस्कीज़ हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग सीरियल्स यूज़ किए जाते हैं. उसके अलावा स्कॉच विस्की और आयरिश विस्की में जो डिफरेंस है वो है पॉट स्टिल एंड पेटन स्टिल मेथड ऑफ डिस्टिलेशन का, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. अलग अलग मेथड्स होते हैं स्पिरिट्स को डिस्टिल करने के आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. सो दो तरीके हैं, पॉट स्टिल एंड पेटन स्टिल. सो कौन सा मेथड यूज़ किया गया है, बेस्ड अपॉन दैट स्कॉच विस्की एंड आयरिश विस्की इज डिफरेंट. नाउ लेट अस हैव ए लुक एट द बर्बन विस्की. सी, बर्बन इज ए रीजन इन यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक रीजन है, एक जगह है जिसको बोला जाता है बर्बन. आप लोगों ने कुकीज़ कंज्यूम की होंगी, बर्बन बिस्किट्स खाए होंगे. सो द बर्बन नेम इज़ फ्रॉम दैट रीजन ओनली. सो बर्बन रीजन की डिस्टिलरीज़ में जो विस्की तैयार की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, बर्बन विस्की. अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग किसी विस्की को बर्बन विस्की हम कब बोल सकते हैं. सी, बर्बन विस्की के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है कॉर्न ग्रेन, मकई, मक्की का दाना, ठीक है. और जो बर्बन है वो वर्ड किसी और विस्की या किसी और विस्की बेस्ड डिस्टिल्ड स्पिरिट के लिए यूज़ नहीं होगा एक्सेप्ट द विस्की फ्रॉम द बर्बन रीजन. नाउ वी हैव राई विस्की. ये यूनाइटेड स्टेट में भी बनाई जाती है और कैनेडा में भी बनाई जाती है. राय का कोई ज्योग्राफिकल या लोकेशन के साथ रिलेशन नहीं है, इट हैज़ नो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस. यूनाइटेड स्टेट में राई विस्की की अगर डेफिनेशन की बात करें तो उस विस्की को राई विस्की बोला जाता है जो कि बनती है ग्रेन मैश से, जिसमें 51% कम से कम राय सीरियल होता है. कनाडा में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. कैनेडियन रेगुलेशंस क्या कहते हैं, कैनेडियन विस्की को कैनेडियन राय विस्की या राय विस्की बोला जाता है. एज पर द रूल्स ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट, विस्की को कैनेडियन विस्की या राय विस्की तभी बोला जाएगा अगर वो विस्की विद इन कैनेडा प्रोड्यूस की गई है, डिस्टिल की गई है, और उसमें अरोमा है, टेस्ट है, करैक्टर है, वो जो कि एक टिपिकल कैनेडियन विस्की में एक्सपेक्ट किया जाता है. कैनेडियन विस्की को सिंपली राय विस्की या राय भी बोल दिया जाता है. नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर स्पिरिट्स. सी, कोई भी अल्कोहलिक ड्रिंक जो कि प्रोडक्ट होती है प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन का, चाहे वो कोई भी रॉ मटेरियल से बनी हो, वीट से बनी हो, बाजरा से बनी हो, ज्वार से बनी हो, कॉर्न से बनी हो, रॉ मटेरियल कैन बी एनीथिंग, बट अगर वो रॉ मटेरियल दो प्रोसेसेस से निकला है, फर्स्ट प्रोसेस फर्मेंटेशन एंड सेकंड प्रोसेस डिस्टिलेशन, हम उस अल्कोहलिक ड्रिंक को स्पिरिट बोलते हैं. जनरली स्पिरिट का मतलब क्या होता है, कोई भी वॉलेटाइल मतलब जल्दी हवा में मिक्स हो जाने वाला, उड़ जाने वाला इन्फ्लामेबल लिक्विड. इन्फ्लामेबल लिक्विड मींस वो लिक्विड जो फायर कैच कर सकता है, जिसको आग लग सकती है,
अगर उसको हीट प्रोवाइड की जाए, उसको फ्लेम प्रोवाइड की जाए, तो इट कैन कैच फायर. नाउ दोज स्पिरिट्स विच आर पोर्टेबल इन नेचर, मतलब जिनको ह्यूमंस कंज्यूम कर सकते हैं, दैट आर सेफ फॉर कंजम्पशन बाय ह्यूमंस, वो क्या है? वो है डिस्टिलेट्स ऑफ अल्कोहलिक लिक्विड. आपने कोई अल्कोहलिक स्पिरिट तैयार किया, उसको आपने डिस्टिलेशन के प्रोसेस से निकाला, देन द लिक्विड और द डिस्टिलेट जो आपको मिलता है उसको आप क्या बोलते हो? अल्कोहलिक ड्रिंक बोलते हो या स्पिरिट बोलते हो. और ये अल्कोहल कैसे बनती है? जो भी आपने ग्रेन सिलेक्ट किया है, चाहे कनक का दाना है, मकई का दाना, राई, बारले, ज्वार, कोई भी जो आपने रॉ मटेरियल सिलेक्ट किया है, उसके अंदर जो शुगर होती है उस पे एक्ट करता है यीस्ट. यीस्ट इज़ ए फंजाई. यीस्ट उस शुगर पे एक्ट करता है. शुगर इज़ नथिंग बट C6H12O6. यीस्ट शुगर पे एक्ट करके उसको ब्रेक डाउन करता है अल्कोहल में और वाटर में. सो वी रिसीव अल्कोहल, वाटर एंड CO2. नाउ दिस शुगर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेप जूस, शुगर केन, या सैक्रीफाइड मटेरियल्स सच एज प्रिपेयर्ड सीरियल्स. जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि कोई भी सीरियल हो सकता है मॉल्टेड फॉर्म में या ग्रेन फॉर्म में. यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है मॉल्टेड बारले की. सो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस लेक्चर. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर द हिस्ट्री ऑफ स्कॉच विस्की, इन विच वी विल बी कवरिंग द ओरिजिन ऑफ द नेम विस्की, वेयर वॉज स्कॉच विस्की फर्स्ट डिस्टिल्ड एंड मैनी अदर थिंग्स. आई होप दिस लेक्चर वॉज यूजफुल. Thank you.